भोपाल में एमजीजीएस के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने सदस्यों में बताया कि वह मानदेय बढ़ाने को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आज ये सब बच्चे आए हैं। माननीय कमलनाथ जी को इन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। साहब ने इन लोगों को आश्वस्त किया है कि वो पूरा सहयोग करेंगे और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, बच्चों ने जैसे कहा कि योजना हमारी है, अगर हमारी सरकार पूरी 5 साल रहती तो मध्य प्रदेश की तस्वीर ही बदल जाती, पर ये कोरे केवल वादे हैं मोदी जी के, जो वो डिजिटल भारत की ओर ले जाना तो चाहते हैं पर करना कुछ नहीं चाहते। और आज हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग, आप चाहे वो महिलाओं के प्रति हिंसा हो, बढ़ती हुई महंगाई हो, बेरोजगारी की मार हो, आज मोदी जी ने भारत को गर्त में ले गए हैं वो। और ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि भारत की इतनी दुर्दशा कभी ना हुई थी और ना होगी। और इतना निष्क्रिय और केवल घोषणा करने वाला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। पर इन बच्चों के साथ मैं हूँ, माननीय कमलनाथ जी हैं, पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा कांग्रेस परिवार है, हम सब इनकी लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कमलनाथ जी ने इसको संज्ञान में ले लिया है और यथाशीघ्र वो प्रयास करेंगे कि इनकी समस्याओं का निदान नहीं मिलेंगे। देखिए भैया, कुछ अपनी कौन सी नहीं, वो क्यों मिलेंगे, वो तो सिर्फ घोषणाएं करना जानते हैं। घोषणा करने के अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई काम नहीं। हमारा गृह मंत्री वाइड वीर है, वो सिर्फ मीडिया में आके बोलना जानते हैं। शिवराज सिंह घोषणाएं करना जानते हैं, वो क्यों मिलेंगे, धरातल पे आके वो काम करना ही नहीं चाहते।